हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनम जावेद और आज मैं आई हूँ जहाज़ उड़ाने। यकीनन आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप आकर देख लें। और वैसे इसमें मेरी मदद करेंगे मेरे को पायलट। आइए चलते हैं। तो अब मैं हवाओं से ज़मीन पर आ गई हूँ और हमारे साथ हमारे पायलट भी मौजूद हैं। इनसे पहले पूछते हैं मैंने कैसा प्लेन उड़ाया, आप बताएं ज़रा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत कॉन्फिडेंट थी आप। मैं समझ रहा था कि आप डरोगी, लेकिन हाँ। और इन्होंने हमें ऐसे ऊपर यूं 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 कैमल राइड का कहा और हमें ऐसे झटके दिए, उफ़ अल्लाह। एयर एक्सपीरियंस में ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि जैसे नॉर्मल लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप फ्लाई कर चुके हैं, तो वो आपसे नॉर्मली क्या सवालात करते हैं ऊपर? नॉर्मली वो ये पूछते हैं कि हम लोग एयर एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। तो एयर एक्सपीरियंस में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एयरक्राफ्ट में ड्यूरिंग द फ्लाइट स्टूडेंट का क्या बिहेवियर है, उसे हाइट फोबिया तो नहीं है, उसे हाइपोक्सिया तो नहीं होता ऑक्सीजन प्रेशर और एयर प्रेशर कम होने की वजह से, और बस ये चीज़ें हैं नॉर्मली। तो मैं बहुत गौर से स्ट्रक आर्ट को देख रही थी, मैंने सोचा एक यहाँ पर भी आपको रिकॉर्ड कर दिखा दूँ कि ये जो सामने नाम लिखा हुआ है हैदर अली, ये जो है साहब, इन्होंने ये पूरा जो पूरा ट्रक आर्ट किया है इन्होंने किया है, और इनके जो हेल्पर हैं साथ, इनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वो जहाज़ है जिसको बाहर से बहुत सारे लोग देखने के लिए आए। तो मेरे साथ इस वक्त अभी कैप्टन आसिम नवाज मौजूद हैं, जो इस कंपनी के स्काईविंग के CEO भी हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं स्काईविंग क्या है। स्काईविंग एक फ्लाइट एकेडमी है जो फ्रेश पायलट तैयार करती है, यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस हम दिलवाते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, उनके एग्ज़ाम दिलवाते हैं, फिर उसके बाद उनको फ्लाइंग करवाते हैं। 190 घंटा फ्लाइंग करने के बाद उनके टेस्ट होते हैं,
फिर वो जो पायलट बन जाते हैं तो उसके बाद वो दूसरी एयरलाइन में जा सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि एक जहाज़ के ऊपर ट्रक आर्ट हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि इसका आइडिया आपको कैसे आया। देखिए जी, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, ठीक है ना। जब ये COVID-19 फैला दुनिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों अफराद एविएशन रिलेटेड जॉबलेस हो गए, हम एक नई कंपनी छोटी सी थी, तो हमने सोचा कि कोई ऐसा आइडिया आ जाए हमारे जहन में ताकि ये लोग जॉबलेस ना हों। तो हमने ये ट्रक आर्ट, क्योंकि हमारी एक पहचान थी पाकिस्तान की ट्रक आर्ट, तो हमने इस ट्रक आर्ट को एक फ्लाइंग आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो वही ट्रक आर्ट हमने अपने जहाज़ पे किया, ये और ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया पे गया, लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, और उस ट्रक आर्ट की वजह से अभी माशाल्लाह हमारा बजाय इसके बिजनेस बंद होता पहले से ज़्यादा प्रमोट हुआ है। और इस ट्रक आर्ट की वजह से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला? बहुत रिस्पॉन्स मिला है, फॉरनर्स हमारे पास, बहुत स्टूडेंट्स आ गए यहाँ, उन्होंने फ्लाइंग किए, और यहाँ तक कि हॉलीवुड से कुछ एक्टर हैं जो हमारा यहाँ से ट्रक आर्ट से इंप्रेस होकर आए और हमारे साथ उन्होंने यहाँ से मोहनजोदड़ो की फ्लाइट की। उसके बाद बिज़नेस को एक्सपेंड करना था, तो हमारी नई कंपनी थी और हमारे पास इतना असासा है पाकिस्तान के अंदर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सला और भी की ऐसी जगहें जो कि दुनिया में कई लोगों को पता ही नहीं है। तो जब हमने मोहनजोदड़ो पे सोचा था, हमने सोचा वाई नॉट टू एक्सप्लॉयट मोहनजोदड़ो, जो एक हमारी 5000 साल पुरानी तहजीब है, तो क्यों ना दुनिया को इसको इंट्रोड्यूस कराया। तो वो जो हॉलीवुड से एक्टर्स आए थे वो उनको हम मोहनजोदड़ो ले गए। उसके बाद फिर हमें आइडिया है कि वाई नॉट टू फर्दर एक्सपेंड दिस अपॉर्चुनिटी इन मोहनजोदड़ो। तो फिर हमने 2-3 फ्लाइटें की, बड़ा रिस्पॉन्स मिला, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ मोहनजोदड़ो देखते हैं। उसके बाद वहाँ बड़ा खूबसूरत किस्म का एक वाटर पार्क है, वहाँ जाके पूरा दिन उनको फोक म्यूज़िक मिलता है, वहाँ उनको खाना मिलता है, बोटिंग की, फ्लोटिंग वहाँ रूम्स बने हुए हैं, लोग उसमें फिरते हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि हमारा ये काम करने से, ना कि हम एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करें, माशाल्लाह सिंध के जो टूरिज़म मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हमें बड़ा इस पर सपोर्ट दिया है, और अभी जो अगली हमारी फ़्लाइट है वो सारी सिंध गवर्नमेंट ने ख़ुद बुक कर लिए हैं। वो ख़ुद उनके जो गेस्ट बाहर से आ रहे हैं या यहाँ जो लोग वहाँ मोहनजोदड़ो देखना चाहते हैं, एक तो मोहनजोदड़ो की हमारी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है वो दुनिया में पूरी को पता चल गया है, और फॉरन से लोग आ रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट भी माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी हम काम कर रहे हैं लगभग से। ओके, अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आप ट्रिप मोहनजोदड़ो तक लेकर जाते हैं इसका एक्सपेंस क्या है, और ये कितना टाइम, मतलब ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी? अभी तो हमने इसको किया है 1 डे ट्रिप, सुबह 9:30 बजे यहाँ से फ्लाइट जाती है कराची इंटरनेशनल से, और वहाँ जाके लैंड करती है 10:30-11 बजे। उसके बाद शाम 5 बजे तक वहाँ मोहनजोदड़ो, वहाँ का जो वाटर पार्क है, वहाँ का फोक म्यूज़िक, वहाँ लंच और अरेंजमेंट सारे, और उसके बाद 5 बजे वापस आ जाते हैं। लेकिन हमें सब कुछ आप ही लोग अरेंज कर कर देते हैं? हम, लेकिन हमें जो फीडबैक मिला है, लोग चाहते हैं कि एक दिन में हम वहाँ की चीज़ विजिट नहीं कर सकते, तो वो अभी हमने इसको 1 दिन से 2 दिन में कन्वर्ट करेंगे। लोग यहाँ से आफ्टरनून दोपहर को जाएँगे, इवन रमज़ान भी हम ये जारी रखेंगे, वो एक दिन वहाँ मोहनजोदड़ो विजिट करेंगे, रात वहाँ ठहरेंगे, नेक्स्ट डे फिर आफ्टरनून में ये वापस आएंगे, और ये 2 डे ट्रिप हो जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस इसके जो है ना, अभी जो 1 डे ट्रिप है दैट इज 30,000 रुपीज़ अप एंड डाउन, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, जो कि हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम क्योंकि टूरिज़्म पाकिस्तान का प्रमोट करना है फ्यूचर में, इंशाल्लाह फिर ये सब्सिडी जो हम दी ख़त्म कर देंगे, और इसी में कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी कर रही है इसको प्रमोट करने के लिए। और जब ये 2 डे हो जाएगा तो थोड़ा सा ज़ाहिर है थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ेगा, लेकिन एक बंदे की जो विजिट है वो बड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ज़ाहिर है टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, आप आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, और मुझे ये बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे कोई आम बंदा आपके पास आया है पायलट बनने के लिए, लिखा है 1 डे पायलट बाहर बोर्ड पर, क्या इसका है? देखो जी, एक होता है एयर एक्सपीरियंस, एक होता है 1 डे पायलट। 1 डे पायलट में हम बंदे को पहले जहाज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है, 2 घंटे की उसकी यहाँ क्लास होती है, उसको मेरी भी हुई थी भाई क्लास, मैंने भी ली है। हाँ, 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें उनको हम जहाज़ के बारे में बताते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बताते हैं, जहाज़ के कंट्रोल के बारे में बताते हैं, तो बेसिक आइडिया उसको हो जाता है। तो जब उसको हम एयर में ले जाते हैं 1 घंटे के लिए, तो उसको इतना आइडिया हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत जहाज़ को हैंडल कर सकता है, दो ही इज़ नॉट अ पायलट। लेकिन 1 डे पायलट में उसको हम जहाज़ के बकायदा कंट्रोल देते हैं। जो क्लास होती है वो बहुत डिटेल्ड क्लास होती है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप जब, और साथ जो आपके पायलट होता है वो बहुत आपके साथ कोऑपरेटिव है, यहाँ के जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, तो वो आपको बहुत कोऑपरेट करके आपको सब चीज़ें बहुत आराम से गाइड कर रहे होते हैं। और एक और बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए भी, कि ये अगर कोई आता है पायलट बनने के लिए
तो उसका पूरा एक्सपेंस कितना होगा? देखो जी, पहले तो ये मैं जो जब हमने स्कूल स्टार्ट किया है तो 45 से 50 लाख रुपया एक पायलट बनने के लिए खर्च होता है, लेकिन हमने क्योंकि जब ये स्टार्ट किया है तो हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना था और एविएशन को तरक्की दिलानी थी, तो हमने इसकी प्राइसेस बहुत रिड्यूस कर दी। ठीक है। और इट वेरीज विद द फ्यूल प्राइस, अगर फ्यूल बढ़ जाए, क्योंकि इसका आजकल फ्यूल हमारा 325 रुपये पर लीटर मिल रहा है, शुरू शुरू में हमें 250 भी मिल रहा था, तो ये अराउंड 39 to 40 लाख रुपीज़ का खर्चा है, जिसमें उनकी ग्राउंड ट्रेनिंग है, उनको स्टडी 2 ईयर्स का कंप्लीट, ये एक साल में भी कर गया। एक लड़की हमारे पास आई है मेडिकल छोड़ के, उसने एक साल में सारा कुछ कर लिया। अच्छा, वो बंदे के ऊपर है कि बच्चा कितना लायक है, कितना मेहनती है, तो एक बच्ची है वो उसने एक साल के अंदर सारा CPLIR कर लिया है, तो ये साल से 1.5 साल के अंदर अच्छा एवरेज बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेता हो तो उसमें 40 लाख रुपये में वो 190 घंटे फ्लाइंग करेगा, ग्राउंड ट्रेनिंग करेगा, उसके एग्जाम होंगे और लाइसेंस ले लेगा, एंड ही इज रेडी टू ज्वाइन इन एयरलाइन। तो ऐसा था सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं कहती हूँ आप लोग भी आएँ, एक दिन का पायलट बनने में कोई बुरा मतलब बुरी चीज़ नहीं है। और अच्छा, एक दिन का पायलट जो आप बन रहे हैं, इसका एक्सपेंस मैंने नहीं पूछा, ये भी बताना। इसका वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं है कह सकते हैं, वो बहुत सही है, मतलब नॉर्मल है, कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़ाहिर है आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है साथ ही, तो साथ-साथ में सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और ये जितनी अच्छे अच्छे यहाँ पे ट्रक आर्ट हुआ है प्लेन्स पे, इसके साथ पिक्चर्स भी बहुत, पूरा फोटोशूट करके, और ये जहाज खुद ही उड़ाना है, हवा में ले जाना है, वहाँ पे इसके ऊपर लैंडिंग भी करनी है, टेक ऑफ भी करना है, वापस भी आना, और ये भी कराची का देखना है वनडे पायलट जी। वैसे मुझे यहाँ बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लोग पहचान ही गए होंगे, ये भी बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं आप, लिखा है द टीम वाज फैंटास्टिक, नीड अनदर कप। खैर, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप एक दिन में पायलट कैसे बन सकते हैं, तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा देती हूँ कि स्काई विंग का फेसबुक पेज है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर इनका लिंक भी है, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उनसे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बआसानी और इनसे सारी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है। और अगर आपको मिराज का व्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता है आपने क्या करना है, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और फिर मैं मिलूंगी किसी और व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।